हाय, मैं हूं अर्जुन और आप देख रहे हैं फन एंड टेक चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि एक वीडियो से दूसरे वीडियो को कैसे जोड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में जो बेल आइकन आ गया उसे प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपने काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा आपके सामने। अब आपको ऊपर की तरफ मीडिया या मीडिया ब्राउज़र का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा, आपके सामने काफ़ी सारे फोल्डर्स आ जाएंगे। अब आपको वो फोल्डर सेलेक्ट कर लेना है जिसमें आपका वीडियो है। तो हमारे डाउनलोड फोल्डर में हम डाउनलोड फोल्डर पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा आपके सामने। अब आपको वो वीडियो सेलेक्ट कर लेना है जिसे आप पहले प्ले करवाना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इस वीडियो को सेलेक्ट कर लेते हैं जो कि 9 मिनट 8 सेकंड का है। अब दूसरा वीडियो जो आप सेलेक्ट करना चाहते हैं वो भी आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। तो हम ये वाला सेकेंड वीडियो सेलेक्ट कर लेते हैं। अब आप चाहें तो और भी वीडियो ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल आपको दो ही वीडियो ऐड करके दिखाता हूं। तो फ्रेंड्स, यहां पर आपको ऊपर की तरफ राइट का टिक दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, आपको एक बार प्ले करके देख लेना होगा। यहां पे प्ले बटन दिया है, इस पर आपको प्ले करके यहां से देख सकते हैं आप। अगर आप वीडियो प्ले करके संतुष्ट नहीं हैं, अगर आप वीडियो को थोड़ा कट या छोटा बड़ा करना चाहते हैं, तो अगर आपको वीडियो में कट लगाना नहीं आता, तो ऑलरेडी मैंने दो वीडियो बना रखी है कि काइन मास्टर से वीडियो को साइड से और बीच से कैसे कट कर सकते हैं उस बारे में। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं और वीडियो में कट लगाना सीख सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारा वीडियो तो जुड़ चुका है, अब हमें गैलरी में सेव करना है। तो गैलरी में कैसे सेव करें, यहाँ पर ये देखिए शेयर वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, आप वीडियो की क्वालिटी सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दीजिए। एक्सपोर्ट पे क्लिक करते ही फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं रेड लाइन जो बढ़ती हुई आपको नज़र आ रही है, ये पूरी भर जाएगी। उसके बाद आपकी गैलरी में ये वीडियो सेव हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। और हमारे चैनल पर अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन आएगा उसे प्रेस जरूर कीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।